दिल्ली के अतुल गंगवार का प्रश्न कि क्या ये बात सही है कि दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर ओरिजिनल कास्टिंग नहीं थी फिल्म मुगल-ए-आजम की, उनकी जगह ये रोल कोई और कर रहे थे। मिस्टर अतुल गंगवार, ये बात 100% सही है कि दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर ओरिजिनल कास्ट नहीं थी फिल्म मुगल-ए-आजम की। दरअसल मुगल-ए-आजम की ओरिजिनल कास्ट कुछ और ही थी। हुआ यूं था कि के आसिफ ने जब 1944 में मुगल-ए-आजम का निर्माण करना शुरू किया तो उन्होंने लिया एक्टर सप्रू, चंद्रमोहन और नरगिस को सलीम, अकबर और अनारकली के रोल के लिए। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन 1946 में चंद्रमोहन, जो कि अकबर की भूमिका निभा रहे थे, उनका हो गया इंतकाल। फिर 1948 में मुल्क का विभाजन हो गया और फिल्म के पहले फाइनेंसर सिराज अली हकीम पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। मुल्क के बिगड़ते हालातों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी जड़ हो गई, फिल्म रुक गई। बाद में 1951 में शाहपुर पालनजी मिस्त्री ने के आसिफ के इस ख्वाब को पूरा करने का जिम्मा उठाया और नई स्टार कास्ट ली गई। पृथ्वीराज कपूर एज अकबर, दिलीप कुमार एज शहजादा सलीम, मधुबाला एज अनारकली। हालांकि इस बार भी वक्त वक्त पर इस फिल्म का निर्माण, प्रोडक्शन रुकता चला गया, दिक्कतें आईं, मगर लगभग 9 साल से भी ज्यादा वक्फे के वक्त के बाद ये फिल्म बनकर तैयार हुई और जब रिलीज हुई तो तवारीख रच गई। उम्मीद करता हूं अतुल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर तफसील से मिल चुका होगा। अतुल गंगवार की तरह अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मन में कोई बात बताना चाहते हैं, अपना सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफर और हमें भेज दीजिए 55454 पर। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है facebook.com/ सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज के लिए मेहरबान दोस्तों इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। दिन रात शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।